सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व उप निदेशक मेलाराम शर्मा चुने गए बीडीसी संगड़ा के अध्यक्ष, भाजपा समर्थित मदन सिंह बने उपाध्यक्ष। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व उप निदेशक मेलाराम शर्मा बीडीसी संगड़ा के अध्यक्ष चुने गए। शुक्रवार को समिति सभागार संगड़ा में संपन्न हुए चुनाव के दौरान जहां भाजपा समर्थित मेलाराम शर्मा अध्यक्ष चुने गए, वहीं भाजपा के ही मदन सिंह उपाध्यक्ष बने। दोनों उम्मीदवारों को क्रमशः 9-9 सदस्यों द्वारा वोट दिए गए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को 8-8 वोट मिले। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का गढ़ कहलाने वाले रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र अथवा संगड़ा विकास खंड से अब तक केवल 2 बार बीडीसी अध्यक्ष भाजपा समर्थित रहे हैं। बीडीसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव के नतीजे निकलने के बाद भाजपा के 100 के करीब कार्यकर्ताओं द्वारा समिति सभागार से बस अड्डा बाजार तक रैली निकाली गई। विजय जुलूस के दौरान बस अड्डा बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लड्डू भी बांटे गए। इस दौरान हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी के अलावा बलबीर चौहान, मेलाराम शर्मा, सुनील शर्मा व पूर्व विधायक रूप सिंह आदि भाजपा नेताओं सहित लगभग सभी भाजपा मंडल पदाधिकारी मौजूद रहे। विकास खंड संग्रह का अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद दोनों पर जो है भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। अध्यक्ष पद पर मैं विजयी हुआ हूं और उपाध्यक्ष पद पर श्री मदन सिंह जी विजयी हुए हैं। और ये हमारी विजय नहीं है, हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता है, ये उन सब की विजय है। और सबसे बड़ी विजय है जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ पे पूरे हिमाचल में श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चलाए हैं और जो नीतियां चलाई है, ये उसकी विजय है, उसी का प्रतिफल है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके कारण हम जो 2022 का हमारा जो लक्ष्य है, जो रिपीट का लक्ष्य है सरकार का, उसमें सरकार तो रिपीट होगी। साथ में हम रेणुका से यहाँ से जो है हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय दिलाएंगे, ये उसी का आज ये संकेत हमको मिला है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं और सभी जितने हमारे नेता लोग हैं जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया, उनका मैं अपनी ओर से और मदन जी की ओर से, दोनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज विकास खंड समिति संगड़ा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ, उसमें श्री मेलाराम जी अध्यक्ष और श्री मदन सिंह जी उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। इस चुनाव में विजयी हुए। मैं इस शुभ अवसर पर जहां भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहां के नेता हैं, श्री बलबीर चौहान जी, श्री रूप सिंह चौहान जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री सुनील जी, इन सबको बधाई देता हूं। उसके साथ साथ सभी जो हमारे बीडीसी के 9 मेंबर जो हमारे साथ थे, शुरू से साथ थे, आखिरी तक साथ रहे, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि इन लोगों ने जो कहा वो किया, तो इसका भी आभार करता हूं। और उसके साथ साथ उनसे ज्यादा मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता इस निर्वाचन क्षेत्र के हैं, उन सबका भी अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उन सबको बधाई देता हूं। और इस जीत से हमारा रेणुका क्षेत्र जो पीछे विधानसभा चुनाव में पिछड़ गया था, इस बारी वो पूर्ति यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के नेताओं ने